जगह जगह तो तब तक हम चाहेंगे कि यहाँ पे हम सब बैठ जाए इत्मीनान से और एक एक करके थोड़ा जो ये यूथ जो है ये जिस जो चाहते हैं जो फील करते हैं वो हमें थोड़ा सा एडजस्ट कर ले तब तक वो आ जाएंगे। हम सब बैठेंगे ये आपको कुछ बताएंगे कि ये क्या महसूस करते हैं कि किस तरह से डेमोक्रेसी कर्व की जा रही है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम आकाश है, मैं खुद एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ। तो इसलिए मतलब जो दिक्कतें होती हैं जो आपको स्टोरी आइडिया खोजने से लेके पिच करने से लेके स्टोरी तक जाने आने में जो भी दिक्कतें होती हैं वो मैं खुद ही उसको झेलता हूँ। तो मंदीप भैया पे जो बीत रही होगी हम खुद उसको समझ सकते हैं। सवाल ये है साथियों कि इस सरकार में, ये सरकार 2014 में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से लगातार प्रेस पे, पत्रकारों पे हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आप चाहे प्रशांत कनौजिया का मामला उठा लीजिए, मनदीप पुनिया का मामला उठा लीजिए, और चाहे हाथरस के दौरान जो हाथरस कांड के दौरान जो जितने पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया उसका मामला लीजिए। जिस तरीके से भाजपा की सरकारें जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ जिस तरीके से पत्रकारों का दमन हो रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि ये सरकार लोकतंत्र के चौथे खम्भे पर विश्वास नहीं करती है, यानी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है। इनका डेमोक्रेसी में कोई भरोसा नहीं है, ये सारे फैसले मनमानी के तौर पर लेते हैं। आप इस किसान बिल को समझिए, जिस किसान बिल के लिए मनदीप भैया लगातार पिछले 2 महीने से किसानों के साथ रहते हुए, मनदीप भैया उन्हीं के साथ रहते थे, खाते थे, और कल जो घटना हुई क्यों हुई? क्योंकि जिस तरीके से बॉर्डर पे भाजपा ने अपने गुंडों को भेजना शुरू किया था, और चूंकि मनदीप भैया हरियाणा के रहने वाले हैं वो उन गुंडों को जानते थे, भाजपा के विधायकों को उनके गुंडों को वो जानते थे, और जब उन्होंने उन गुंडों को एक्सपोज करना शुरू किया तब उनको लगा कि नहीं अब ये हमारे लिए खतरा है, जिसको उनको 10 पुलिस वालों ने उठा लिया, जिस तरीके से घेर के पुलिस वालों ने उठाया। आज ये पुलिस कह रही है कि कोरोना है, 144 लगा हुआ है। अरे जब उनको उठाया गया तो जितनी भीड़ पुलिस की थी वहाँ कोरोना नहीं था क्या? वहाँ कोरोना नहीं था? जब अमित शाह बंगाल में रैली करने जाते हैं, पंचायत चुनाव में रैली करने जाते हैं, तमाम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, गृह मंत्री सब पहुँचते हैं, वहाँ कोरोना नहीं है क्या? सवाल ये है कि आप पत्रकार जो जनता को बताते हैं कि नहीं ये हो रहा है, देश समाज में ये हो रहा है, आप उन्हीं की आवाज को दबा दो ताकि जनता तक बात न पहुंचे। सरकार इंटरनेट जिस तरीके से 15 जिलों में, हरियाणा में 15 जिलों में 30 जनवरी तक इंटरनेट बंद किया, सारे बॉर्डर पे आज 21 तारीख तक इंटरनेट बंद करने की घोषणा की गई, ये क्या है? क्या हम लोकतंत्र में रह रहे हैं? क्या ये वॉर जोन नहीं बना दिया गया है जहाँ पे किसान सरकार से लड़ रहा है? वॉर जोन क्यों बना रहे हो? ये सवाल ये है कि जो मसला जो किसान कह रहे हैं हमें हित नहीं चाहिए, आप उनका जबरदस्ती भला करने पर तुले हुए। आज जो डेमोक्रेसी पे लगातार हमले, चाहे छात्रों की बात कर ले, पत्रकारों की बात कर ले, महिलाओं की बात कर ले, आदिवासियों की बात कर ले, अल्पसंख्यकों की बात कर ले, जब से मोदी की सरकार बनी है, चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन पिछले साल रहा हो, चाहे ये आंदोलन, सरकार का पैटर्न समझने की जरूरत है। सरकार आपको इग्नोर करेगी और एक आपका एक कमजोर कड़ी देख के फिर गुंडों से भिजवा के दंगे करवाएगी। शाहीन बाग का आंदोलन याद कीजिए, जब यही होना शुरू हुआ उसके बाद दिल्ली में दंगे होने शुरू हो गए। और हम यहाँ पे जिसलिए जुटे हुए हैं, हमको ये समझना होगा कि सरकार ने हमारे साथियों को, चाहे वो हाथरस में साथी हो, चाहे हमारे साथी मनदीप पुनिया हो, उनको गिरफ्तार किया है, उनको जल्द से जल्द रिहा करे और उनके खिलाफ
जो भी फर्जी मुकदमे जिन भी धाराओं में दर्ज किए गए सब वापस ले। इस तरीके से नहीं चलेगा कि आप किसी को भी उठाकर जेल में डाल दोगे और नहीं उसकी सुनवाई चलती रहेगी, ये नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है, आपको यहाँ हर गलत का जवाब देना होगा। तो मैंने उसको काफी करीब से देखा है, कॉलेज में भी मीटिंग में थे। जिस तरह से आरोप मंदीप के ऊपर लगाए गए हैं, यहाँ पे जितने भी पत्रकार साथी आए हुए हैं उनके ऊपर भी चलते हुए भी उनके ऊपर कोई पुलिस लगा सकती है कि आपने मुझे धक्का दिया, ऐसे आरोप जो है कि आप जाके देखे सिंघू बॉर्डर जो सभी जा रहे हैं वहाँ देखे कितनी बैरिकेडिंग है, तो आप उसको पार कर रहे हैं, हो सकता है कल किसी और को भी पकड़ लिया जाए कि वो जो पार करते हुए उसको हटाने की कोशिश कर रहा था, पुलिस आ जाएगी उससे बस, तो पुलिस मना करते हैं तो उनसे बहस हो ही जाती है, अमूमन जनरल है कि वहाँ पे बातचीत उनसे हो जाती कि मैं पत्रकार हूँ, मैं जा रहा हूँ रिपोर्टिंग करने के लिए। तो एक गलत उसके ऊपर फर्जी आरोप लगाए गए हैं क्योंकि उसने जो वहाँ पे किसानों और जो स्थानीय लोग तथा कथित स्थानीय लोग का बीच में जो लड़ाई हुई थी उसका पर्दाफाश किया था, जिसके वजह से दिल्ली पुलिस के नज़र में आ गया हो, उसके बाद उसको पकड़ा गया है। और रही बात उसकी जो व्यक्तित्व जो रहा है वो हमेशा से संघर्ष करने वाला रहा है, पास आउट होने के बाद भी उसने कभी चाह नहीं रखी कि बड़े मीडिया हाउस में जाकर काम करे, वो शुरू से ही जमीन के पे जाके और रिपोर्ट वहाँ से लाता रहा और वैसे रिपोर्टिंग किया है, रिपोर्टिंग करता रहा है। अभी भी जो किसान आंदोलन में आप जाके देखें 2 महीना दिन रहकर रिपोर्टिंग लगातार करना बहुत आसान चीज नहीं होता है, एक दिन आप जाके देखो कितनी परेशानी होती है, वो लगातार 2 महीनों से वो रिपोर्टिंग कर रहा था। तो हो सकता है कि इस समय जो बड़े मीडिया हाउस है जिस तरह से उन्होंने एक अलग तरीके का जो रोल अपना बना रखा है किसान आंदोलन या किसी भी तरह के सरकार के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा है उसके ऊपर, तो जो मोबाइल जर्नलिज्म जो कर रहे हैं जो फ्रीलांस कर रहे हैं उनके द्वारा सच्चाई बाहर आ रही है। तो मंदीप पुनिया की गिरफ्तारी को हम पहला कदम देख रहे हैं जो मोबाइल जर्नलिज्म या फ्रीलांस जर्नलिज्म कर रहे हैं उनको डराने धमकाने की, लेकिन जो मंदीप की जो हिम्मत है और जो उसके साथी जो भी है वो कभी डरने वाले नहीं है। जब तक उसकी रिहाई नहीं होगी हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हम दिल्ली पुलिस से कहना चाहते हैं कि बिना शर्त उसकी रिहाई करें। साथियों मैं आपको 26 तारीख के इंसिडेंट बताना चाह रहा हूँ जिसमें पुलिस मूक दर्शक बने खड़ी रह गई थी और कुछ उपद्रवी जो 26 तारीख के किसान मार्च में उपद्रव कर रहे थे अपना मुंह ढक के, उन्होंने मेरा मोबाइल छीना और मुझसे मारपीट की और पुलिस सामने खड़ी मुक्त दर्शक बने देखती रह गई, वहां दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चली। 26 तारीख को जब हम गोले मारने थे किसान पीछे अपना खड़े थे, तभी अचानक से कुछ उपद्रवी जो मुंह ढके हुए थे उन्होंने हमला शुरू किया और जब मैं कोने से तोड़फोड़ शुरू की, जब मैं कोने से खड़े होकर रिकॉर्डिंग कर रहा था मैं अपने वीडियो, तो अचानक से 15-20 लोग उपद्रवी जो थे वो आए, मुझे घेरा, मुझसे मारपीट की, मेरा मोबाइल छीन लिया और मेरे पैसे तक फाड़, पैसे गिर के कपड़े पर फाड़ने की वजह से। तो उस वक्त पुलिस कुछ नहीं की और जब कोई पत्रकार अपना काम शालीनता से शांतिपूर्वक ढंग से कर रहा है उसको फाड़े जाते हैं कि ये हम तो धक्का दिए, अरे तुम क्या कर रहे थे निकम्मों की तरह खड़े होके, लोग चोरी कर ले रहे हैं तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। देखिए ये पहला कोई मामला नहीं है मेरे ऊपर, इससे पहले जो है नोटिस करके दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मुझे बुलाया था, 7 अलग अलग धाराओं में जो है मेरे ऊपर केस दर्ज किया गया था और मेरा ही अलग नहीं अलग अलग चैनल को अलग अलग दिन में बुलाया गया था। तो आप देखिए कि आज मेरा नंबर है, इनका नंबर है, कल किसी और का भी नंबर हो सकता है, इसलिए बेहद ज़रूरी है कि सभी लोग यहाँ पर पहुँचे क्योंकि मेरे ऊपर मुकदमा किया गया, कई और मेरे साथी पत्रकार हैं, सबको अलग अलग बुलाया गया ताकि एक दूसरे की आवाज़ ना उठा सके। तो आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं तो कम से कम ये बात रखा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है संख्या में जो है यहाँ पत्रकार पहुँचे और सबकी आवाज़ उठाई जाए। ये देखिए कॉपी है जो 7-8 मुकदमे मेरे ऊपर 7-8 अलग अलग धाराओं में जो है मेरे को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बुलाए थे। मैं एक बार पढ़कर सुना देता हूँ आपको, धारे कौन कौन से, 124A, 153A, 465, 499, 500, 505, B, 505C, तो इतने सारे जो है धारे लगाए गए थे। चलिए धन्यवाद। देखिए मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि क्रोनोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है, शाह जी हमारे क्रोनोलॉजी की बात करते हैं, आज एक पत्रकार आप लोगों को क्रोनोलॉजी समझाएगा। कोई भी
आंदोलन, कोई भी मसला, कोई भी व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ, सरकार को लेकर अपनी आवाज बुलंद करता है, तो पहले सरकार उसके खिलाफ अपने अपने मीडिया हाउसेस से, मेरी बातों को अपने मीडिया हाउसेस से खबर चलाती है और पब्लिक को, पब्लिक के मंच में एक नैरेटिव सेट करती है कि ये गुंडे हैं, ये आतंकवादी हैं, ये जिहादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, तमाम चीजें की जाती है। उसके बाद सरकार अपने गुंडे भेजती है, लोगों पर हमला कराती है, उसके बाद पुलिस वालों से लाठीचार्ज कराती है ताकि लोग जो बैठे हैं घर में अपने डाइनिंग हॉल में चादर तान के बैठे हैं वो ताली बजा सके और कह सके सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। सरकार हर मुद्दे पे यही काम करती है। आप यह बात समझ जाइए कि आज देश में पत्रकारों के दो फाक बढ़ चुके हैं और ये पहला फाक जो फर्जी राष्ट्रवादियों का है वो तमाम हमले कर रहा है हमें गिराने के लिए, हमें हिलाने के लिए। पर उन तक यह संदेश जाना चाहिए कि वाकई में जो लोकतंत्र के रक्षक हैं वो यहाँ बैठे हैं, वो आपके समक्ष खड़े हैं और हम आज इकट्ठा हुए हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। और केवल मनदीप पुनिया के लिए ही नहीं, मनदीप पुनिया केवल एक शख्स हैं, उनके पीछे हजार तादाद है पत्रकारों की जो आज आवाज बुलंद कर रही है, निष्पक्ष रहना चाहती है, स्वतंत्र पत्रकारिता पे। एक वाक्य बोलूंगा उसके बाद मैं बात खत्म करूंगा कि आज पत्रकार स्वतंत्र पत्रकार बनने पर मजबूर है। आप समझिए कि मीडिया हाउसेज ने अपने आप को ऐसे तमाम पार्टियों के बैनर तले खड़ा कर लिया है कि हम पत्रकार मजबूर हो गए हैं, हम पत्रकार मजबूर हो गए हैं कि माइक लेके सड़क पर जाएं, जनता की बात कहें। हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, हमें लोगों से क्राउड फंडिंग करानी होती है, जिसके लिए मीम बनता है कि अरे क्राउड फंडिंग को तो भीख कहते हैं। तो ठीक है, अगर इस लोकतंत्र में हमें भीख मांग कर अपनी पत्रकारिता बचानी है तो हम बचाएंगे, आखिरी दम तक बचाएंगे। और इसलिए हजारों में कटा पत्रकारिता नहीं, लोकतंत्र को भी बचाएंगे। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे दिल्ली पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मनदीप पुनिया को रिहा करो, अरे दिल्ली पुलिस होश में आओ, अरे दिल्ली पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, मैं मनदीप हूं और मैं एक पत्रकार हूं पेशे से, और मैं कल सिंघू मोर्चे पर जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है उसके स्टेज पर था जब दंगाइयों ने स्टेज के ऊपर हमला किया, किसानों के ऊपर हमला किया, और उस टाइम पे मैंने जो देखा वो मैं आपके आगे बताना जा रहा हूं। असल में 50-60 लोगों का एक ग्रुप आता है जो तिरंगा लेकर आता है और वो किसानों को पहले गालियां देने लग जाता है और कहता है कि उठकर यहां से भागो, तुम्हें सबक सिखाते हैं, और वो फिर पथराव करने लग जाता है, पथराव कर। और पुलिस, वो 50-60 ही थे लेकिन पुलिस 4,000 से 5,000 पुलिस वाले कल थे, 2,000 तो उनको बैकअप दे रहा था पूरा, और 4,000-5,000 पूरे एरिया में डिप्लॉय कर रखी थी पुलिस, दिल्ली पुलिस थी, तो दिल्ली पुलिस पीछे से उनको बैकअप दे रही है और वो आगे से पथराव कर रहे हैं और लगातार तिरंगा उन्होंने हाथों में पकड़ा हुआ है, कभी तिरंग, और एक पेट्रोल बम भी वो फेंकते हैं जो कि उनके पास है, किसानों के पास। किसान कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाया, किसानों के ऊपर पेट्रोल बम फेंकते हैं, उनकी रजाइयां गद्दे जलाने की कोशिश करते हैं और जो महिलाओं का टेंट है उसको जलाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब हो रहा था, तो अभी जिन लोगों ने वो हमला किया है वो लोग, उन लोगों की जो आइडेंटिटी है वो भी सामने आ गई है, और साथ में दिल्ली पुलिस का रोल भी मैं आपको दिखाऊंगा, और साथ में जो मीडिया ने आज रिपोर्ट किया अखबारों में वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो खासा दुख हो रहा है देख के, पहली बार होगा कि मतलब हुआ कुछ हो रहा है और रिपोर्ट बिल्कुल उसके उलट कर रहे हैं, और बहुत सारे जो वहां पर पत्रकार जिनको हम जानते हैं, जो अच्छे पत्रकार हैं, वो भी उलट रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी बेसिकली जो ये हमला किया था उसमें जो फोटोएं आ रही हैं और जो मैंने रात भर देखा कि कौन लोग थे, उन लोगों जो पहले आए हाथों में तिरंगे लेकर और किसानों को गालियां दे रहे थे और उनके ऊपर पथराव किया, उसकी मैं कुछ फोटोज आपको दिखा देता हूं और फिर मैं आपको बता देता हूं। ये एक हैं प्रदीप खत्री,
थोलेदार अपने आप को लिखते हैं फेसबुक पे ये, और अपने आप को भाजपा का जिला कन्वीनर बताते हैं अपने आप को, ये मनोज तिवारी के साथ दिख रहे हैं ये जो इस जिनके ऊपर एरो लगा हुआ है, ऐसे ही इनकी फेसबुक प्रोफाइल है प्रदीप खत्री ठोलेदार जिला प्रभारी, इन्होंने खुद लिखा हुआ है। ये प्रोफाइल भी मैं आपको चेक करवाऊंगा पूरी फेसबुक की इनकी, ये देखिए ये कल दंगाइयों में थे, ये आप शकल मैच कर लीजिए, ये जो इंसान है ये कल दंगे में खड़ा है, और ये देखिए ये यही इंसान है। अब इसकी प्रोफाइल मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस आदमी की, इसकी जो फेसबुक प्रोफाइल मैंने खोल रखी है, फेसबुक पे आप देखेंगे तो एक अंकित शर्मा नाम के इंसान ने कल गए हुए की इसकी वीडियो भी पोस्ट कर रखी है, जो जी न्यूज को ये इंटरव्यू दे रहा है, देखिए। तो ये देख लीजिए कि ये कह रहा है कि कौन इनका साथ देगा, ये इसकी आप प्रोफाइल चेक करेंगे तो इसकी प्रोफाइल पे खूब दिख जाएगा कि ये कौन सी प्रदीप खत्री ठोलेदार, और ये बीजेपी का गणतंत्र दिवस की बधाई दे रहा है। तो ये जो बीजेपी के जो और नेता हैं संदीप सहरावत उनके साथ हैं, तो ये बेसिकली बीजेपी का आदमी है प्रदीप खत्री ठोलेदार, ये कल वहां पर किसानों के ऊपर पथराव कर रहा था। दूसरा नाम दूसरा है जो ये अमन डबास है, और ये अमन डबास बवाना से है, इनकी पत्नी ये भी बीजेपी में है, अमित शाह के साथ इसकी फोटो है, इसकी मैं और फोटो भी दिखाऊंगा जिसमें ये दंगाइयों के साथ खड़ा है, है और पथराव कर रहा है किसानों के ऊपर, इसकी पत्नी पार्षद है बीजेपी से। तो इसमें आप इसका ये देखिए, ये जो फोटो है ये खड़ा, और ये देखिए ये अमित शाह के साथ, ये दोनों कल लोगों ने निकाल के, और ये मंडल अध्यक्ष है आपको मैं बताऊं बीजेपी का, इसकी किसानों ने फोटो निकाल के चलाई भी हैं, है। और जो ये अमन डबास है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी कल पथराव कर रहा था, मैंने खुद अपनी आंखों से इसको देखा है पथराव करते हुए, और ये जैसे चूंकि मैं इन गांव से जुड़ा हुआ हूं, तो दिल्ली पुलिस 26 तारीख को जो यूथ है वो जो रूट था सरकारी जो दिल्ली पुलिस ने दिया था उसके ऊपर नहीं जाना चाह रहा था, उसका एक रीजन ये भी था कि यूथ को जो किसान यूथ है उनको पता चल गया था कि उनके ट्रैक्टर पे पेट्रोल बम मारेंगे बीजेपी वाले, बवाना से निकलेंगे, और उसमें इस अमन डबास ने तैयारी कर रखी थी पूरी, और दिल्ली पुलिस इनका साथ दे रही थी, ऐसा मुझे बहुत सारे बवाना के लोगों ने भी बताया, उनकी वीडियोस भी मैं आपको जारी करूंगा जो बवाना के लोग बता रहे हैं, वो वीडियो भी मैं जारी करूंगा आपके आगे। अब दूसरा मैं ये फोटो दिखा देता हूं जो मैंने प्रोफाइल फोटो भी लगाया है, ये सरदार हैं, इसको देखो पुलिस ने पूरे जूतों से रौंदा है, और इसको बालों से घसीट कर लेके गए हैं, नंगा करके बुरी तरीके से पीटा है, और उस वीडियो में आप देखेंगे जो पथराव करने वाले थे वो भी इन सरदार को कूट रहे हैं। ये असल में ये वॉलंटियर था, इसको खींच के इसके हाथ में तलवार थी, जो SHO तलवार नहीं बेसिकली जो ये अमृतधारी सिख था, तो तलवार कह लीजिए या कृपान कह लीजिए, वैसे पंजाबी में कृपान बोल कहते हैं, हम हिंदी में छोटी तलवार कह सकते हैं, तो कृपान थी इसके हाथ में, जब वो SHO इसको खींच के लेके आ रहा है अलीपुर वाला जिसके हाथ में चोट लगी है, तो खींच के लेके आ रहा है तो उसके हाथ में चोट लगती है, और इसको खींच के दंगाइयों को सौंप दे रहा है, दंगाई इसको पीट रहे हैं इस लड़के को, और पुलिस वाले वे बहुत ज्यादा इसके ऊपर लठ बरसा रहे हैं, वो वीडियो देख नहीं सकते आप, तो पुलिस आप ही आप देख रहे हैं पुलिस इसको कैसे रौंद रही है, इसकी मैं वीडियो भी आगे आपको दिखाऊंगा। और देखिए अब मीडिया ने कैसे रिपोर्ट किया, असल में आप देखेंगे देखो ये पथराव कर रहे हैं ये गुंडे आए, और देखिए ये जो पुलिस है ये मूक दर्शक बन के देख रही है, बिल्कुल कोई वो नहीं कर, इनको पथराव करने दे, एक बार भी इन्होंने पुलिस ने रोका भी नहीं, जबकि स्टेज से सवर्ण पंधेर और जो और दूसरे किसान वो अनाउंस कर रहे हैं कि आप इनको रोकिए ये असामाजिक तत्व हैं। और जो दैनिक जागरण ने रिपोर्ट किया है ये देखिए फोटोशॉप कर रखा है बिल्कुल, ये देखिए दैनिक इस अकेले इस लड़की की फोटो, और देखो बैकग्राउंड में फोटोशॉप करके पुलिस को हटा दिया है और कुछ और ही लगा दिया है, जबकि असली फोटो ये है, देखिए पुलिस ये पुलिस है
ये पुलिस खड़ी है। और दैनिक जागरण ने जो फोटो लगाई है फोटोशॉप करके, ये देखिए कोई पुलिस नहीं है क्रॉप करके, और इधर इधर से इधर जो पुलिस थी दिख रही थी उसमें ये वो हटा दी है, है? तो बेसिकली, और देखिए क्या लिखा है, स्थानीय और किसान बढ़े पुलिस पर तलवार से हमला, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल आंखों से देख रहा था। चलो ठीक है भाई, दैनिक जागरण की अपनी पॉलिसी है रिपोर्ट करने की चीजों की, पर यह हुआ। अब मैं उस सिख सरदार की वीडियो दिखाता हूं जिसको पुलिस वालों ने बुरी तरीके से, ये खबर इंडिया चैनल है, ये है तो संगी चैनल, लेकिन मैं आपको एक बार इस पे जो वीडियो है वो मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे उसको उनको रोंद के लेके गए हैं, है? ये देखिए, अब ये इस सरदार जो थे उनको लेके आएंगे, देखिए बालों से खींच कर लेके आ रहे हैं और गालियां ये देखिए बालों से पकड़ा हुआ है, देखिए ये बालों से, और ये देखिए नंगा कर रखा है इनको, और इसको जिप्सी में ठूसने की कोशिश कर रही है, और उसको अब स्थानीय आएंगे देखना जो इसके ऊपर देखिए, और जो ये खबर इंडिया चैनल है इसकी कमेंट्री तो मतलब हद है, ये कह रहा है देखिए खालिस्तानियों ने हमला कर दिया, ये कर दिया, पुलिस पकड़ के लेके आ रही है बालों से खींच के खींचते हुए, और इसको इसको पीट रही है, और लोकल जो बन के आए हैं सो कोल्ड हैं जो बीजेपी के जो लोग हैं वो भी इसको मारे हैं, और पुलिस उनको रोक नहीं रही है, हैं? तो और इसको बिल्कुल आगे देख, ये देखिए ये देखिए लोकल आपको दिख जाएंगे, देखिए ये लोकल, ये देखिए ये लोकल इसको इसको मार रहे हैं पूरा, ये बालों से पकड़ रखा है, बालों इसको खुद ही, और ये ये इस लड़के को बुरी तरीके से घसीटती है, और जो पुलिस पुलिस इस बीच आंसू गैस के गोले छोड़ती है, और लाठी चार्ज करती है बैंक